बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते कुल 3 फिल्में रिलीज हुई। सैफ अली खान की फिल्म कालाकांडी, अनुराग कश्यप की मुक्काबाज और विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म 1921 एक साथ सिनेमा घरों में उतरी। तीनों ही फिल्मों के लिए दर्शकों को खींचना एक बड़ी चुनौती बनी, लेकिन इसमें बाजी मारी 1921 ने। ट्रेड एनालिस्ट करण आदर्श के मुताबिक फिल्म ने 11.58 करोड़ का बिजनेस कर लिया, जबकि फिल्म का प्रोडक्शन बजट करीब 10 करोड़ है। हालांकि इसमें 5 करोड़ रुपए प्रिंट एडवर्टाइजिंग पर अलग से खर्च किया गया। दोनों को मिला दें तो फिल्म का बजट 15 करोड़ के करीब है। इस तरह फिल्म ने अपने प्रोडक्शन का खर्च निकाल लिया है। उम्मीद है आने वाले हफ्ते में फिल्म अपने प्रचार का खर्च भी निकाल लेगी। साल 2018 के पहले हफ्ते के कलेक्शन पर गौर करें तो फिल्म 1921 सबसे ज्यादा ओपनिंग वाली फिल्म है। बता दें कि इस फिल्म को टाइगर जिंदा है से भी कड़ी टक्कर मिल रही है। 5वां हफ्ता होने के बावजूद सलमान थिएटर में जमे हुए हैं। बता दें कि विक्रम भट्ट के निर्देशन में बनी फिल्म 1921 रिलीज के साथ ही मुश्किलों में भी घिर गई है, जिसके चलते यह फिल्म कई मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज नहीं की गई है। देश के 4 बड़े मल्टीप्लेक्सेस ने जरीन खान की फिल्म 1921 का बायकॉट कर दिया है, जिसके चलते यह फिल्म PVR, इनक्स, कार्निवल सिनेमाज और सिनेपोल्स में रिलीज नहीं की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ महीनों पहले इन 4 मल्टीप्लेक्स के मालिकों ने निर्माताओं से फिल्म रिलीज के 8 हफ्ते तक इसके सैटेलाइट अधिकार किसी चैनल को नहीं बेचने के लिए कहा। हालांकि रिलायंस एंटरटेनमेंट ने मल्टीप्लेक्स के मालिकों की बात को बेतुका बताया और ऐसी किसी भी डील पर साइन करने से मना कर दिया, जिसके बाद 1921 को 4 मल्टीप्लेक्स में रिलीज नहीं किया गया।